What's up everyone? बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका फिर से, जिसका नाम आयान सिंह है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जिसको चाहिए आपके लिए, नॉन डांसर्स के लिए जो डांस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कैसे अपने डांसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नॉन डांसर जो स्टार्ट करना चाहता है तो कौन सी चीजें हैं जो उनको डेली बेसिस पे करनी चाहिए और उनको इम्प्रूव करेगा, तो एक एक करके आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। और चलते हैं हमारे वीडियो। चौथा टिप्स आप क्या देना चाहेंगे हमारे बिगिनर डांसर्स के लिए? आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो हमने कर ली और मसल्स भी बिल्ड कर लिया, मेंटल ब्लॉक्स। और तीसरा जो आपने बहुत अच्छा टिप्स बताया वो था वॉचिंग डांस वीडियोज, बिगिनर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। चौथा टिप्स आप क्या देना चाहेंगे डांसर्स को? चौथा टिप यही है आपका डाइट क्या प्लान है, डाइट प्लान क्या है, वो बहुत निर्भर करता है आपको ऊपर आपका बॉडी मतलब किस वे में जाएगा। अगर आप ये होता है मतलब बहुत सारे लोगों में क्या है बाहर का खा लेते हैं, मोमोज बर्गर पिज्जा बहुत मतलब ये चीज़ खाने का कभी कभी खा सकते हैं आप मंथ में एक दो बार खा सकते हैं, लेकिन किसी का होता है अलग मतलब डेली जाकर खाना ही है। उसके बाद डांस कर जाएंगे तो बोले कि सर स्टेमिना नहीं है। डांसर्स को आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे सर, क्या खाना चाहिए उसको जो उसके लिए बहुत अच्छा? आपको खाने के लिए सुबह में क्या है ना, आप रात को ये चना और मूंग या फिर रात को उसको पानी पियो, पानी में डाल दीजिए और सुबह में उठकर उसे अच्छे से छान लीजिए और उसे गुड़ के साथ सुबह में आप डेली थोड़ा सा मतलब खाइए, मतलब कम से कम 50-100 ग्राम गेहूँ खाइए। उससे क्या होगा ना आपका स्टेमिना इम्प्रूव होगा, कम से कोई कार्य इसलिए देखिए बॉडी मसल्स इसीलिए तो आपको वो बहुत जरूरी है। और अगर हो सके तो अगर आपका मतलब बजट नहीं तो आप डेली एप्पल जरूर खाइए सुबह में उससे मतलब ब्रश करने के बाद। हाँ एप्पल बहुत जरूरी है आपको मतलब बॉडी को इम्प्रूव करेगा, मतलब बॉडी में अलग एनर्जी आपको देगा, एनर्जी आएगा। हाँ और सर तो हमने चार चीज़ें कवर कर ली है और भी कुछ चीज़ें मिस हो गई है। सबसे पहले हमने क्या कवर किया, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे करें। दूसरा हमने क्या किया, हमारे पीटर हाँ बिल्डिंग मसल्स मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा वॉचिंग डांस वीडियो,
अगर उस डांस की वीडियोस देख के उसको ट्राई करना है कि दिस इज पे। चौथा था हमारा डाइट के बारे में, ईट बेटर ईट स्मार्टर। और कोई टिप्स आप देना चाहेंगे अपने हिसाब से जो लोग मिस कर रहे हैं, जो नॉन डांसर्स के लिए, डांसर्स के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग डांस करना चाहते हैं कि मैं मुझे आ नहीं रहा है, मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे हो नहीं रहा है, तो क्या चीज़ें हैं, कौन सी जो मिस करेगी डांसर्स में? एक और जो चीज़ है वो है म्यूजिक पे। मेरे ध्यान से सुनना पड़ता है, जो अगर जब प्रैक्टिस करते तो क्या होता है समटाइम्स कि आगे कौन सा बीट आने वाला है, या म्यूजिक का सॉन्ग का मूड कैसा है, सॉन्ग कैसा हिप हॉप में जा रहा है या फिर फोक है, तो तीन चार बार सुनने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया सॉन्ग आया उसको सुना, सुनने के बाद पता चलता है कि आगे के लिरिक्स सबको याद नहीं, आगे कौन सा म्यूजिक आने वाला है, तो डांस करने में प्रॉब्लम होती है, आगे क्या बढ़ेगा, क्या डांस तैयार करना चाहिए। अगर मैं उस म्यूजिक को तीन से चार बार सुन लेता हूँ, आप लोग अच्छे से उसको सुनते हैं बहुत डांस से, तो गाने का एक रिदम पकड़ा जाता है, याद हो जाता है, इसके बाद ये म्यूजिक आने वाला, तो मैं बहुत ध्यान से पहले गाने को सुनता हूँ, उसके बाद आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किया। आप इससे कुछ और एड ऑन करना चाहें तो बता सकते हैं। म्यूजिक क्या है ना, जब तक आप म्यूजिक को फील नहीं किए, अपना जब कोई सॉन्ग है जिसको आप मतलब करना है, सॉन्ग का आपको डांस करना हो, जब तक उसको आप कम से कम तीन से चार बार नहीं सुन लेते, आप हर बार गड़बड़ करोगे सॉन्ग में। आप नहीं ऐसा होता है ना, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आप एक बार एक सॉन्ग सुनो और उस पर डांस करो, आप मेरा पूरा मतलब 100% श्योर है आप जरूर करोगे। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको जब अगर इससे रिलेटेड इस टॉपिक से कुछ वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ आपकी कुछ प्रॉब्लम हो मतलब सर यहाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस चीज़ में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेशन कैसे ला, इस चीज़ के लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आपका इस चीज़ के लिए अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। और साथ ही अगर आपका कुछ सजेशन है डांस से रिलेटेड तो वो भी कमेंट में आप दे सकते हैं, उसको भी हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच टू बी विद अस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग, कीप चीयरिंग।